हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू वीडियो। तो गाइस, आज मैं आया हूँ कानपुर के चिड़ियाघर में। और गाइस, ये इसका टिकट काउंटर है, यहाँ पर टिकट ले सकते हो और इधर खाने पीने का सामान ले सकते हो। तो अंदर चलते हैं और मैं आपको सभी पूरी डिटेल में बताऊँगा इसका टिकट प्राइस क्या है और कितने दिन ये खुला रहता है, कौन से दिन बंद रहता है और खुलने का समय क्या है, बंद होने का समय क्या है। वीडियो के एंड तक रुकना तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और मैं अंदर का व्यू भी दिखाऊंगा, कौन कौन से जानवर हैं। तो बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं एक पैकेट नमकीन ले लिए क्योंकि अंदर भूख लगेगी टहलते टहलते, क्योंकि काफ़ी समय। और यहाँ पर टिकट मिलेगा। तो ये है इसका टिकट। अभी हम अंदर जाते हैं। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर एक मशीन है और फिर चेक होता है कि आप कुछ गलत सामान तो नहीं ले जा रहे हैं। और ये है रास्ता और इधर साइड कुछ झूले लगे हुए हैं। और यहाँ देखो, कानपुर प्राणी उद्यान आपका स्वागत करता है और मैं भी अपनी वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ और ये मेन रोड यही है। उधर साइड टिकट काउंटर है और इधर साइड ही आपको ऊपर चढ़कर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर आप लोगों को गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी अगर आप लोगों को इनसे घूमना है। अगर पैदल नहीं जाना तो आप लोग यहाँ पर घूम सकते हो। अगर आपको किराए में साइकिल लेना हो तो यहाँ पर साइकिलें भी मिल जाती हैं। अब यहाँ पर कोई अभी है नहीं तो मैं इनका प्राइस तो नहीं मेरे को पता चलेगा, बट अगर आप लोग साइकिल का यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो रास्ते हैं तो मैं किधर को जाऊँ, इधर को जाऊँ या फिर इस साइड जाऊँ। इधर को चलते हैं और देखते हैं कैसा क्या है। मैं पहले कभी कहीं के भी चिड़ियाघर में नहीं गया। दिल्ली भी गया हूँ, लखनऊ भी एक बार गया हूँ, पर चिड़ियाघर नहीं गया हूँ। देखते हैं कानपुर के ही चिड़ियाघर से शुरुआत करते हैं। और कौन कौन कानपुर से है और फतेहपुर से, कमेंट बताना। अगर आप दूसरे शहर से हो तो भी कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिख देना। यहाँ शुरू में आप लोगों को बतख देखने की मिलते हैं। यहाँ पर कोई रुक भी नहीं रहा क्योंकि नॉर्मल है बतख को देखना, तो इसलिए शायद यहाँ कोई नहीं रुक रहा। और इधर साइड एक बंदर है, मंकी, वो देखो आपको दिख रहा होगा, ये लाल मुंह वाला बंदर है, ये देखो बैठा हुआ है। और इधर साइड क्या है मेरे को नहीं पता। इधर सब लोग जा रहे हैं तो मैं भी उधर ही साइड को जा रहा हूँ और बाकी सब एरिया घूमेंगे। मेरे पास अभी लगभग 1.5-2 घंटे का समय है, फिर इसके बाद मैं जाऊंगा। यहाँ पर कुछ है खेलने कूदने के लिए, है छोटे बच्चों के लिए है। और ये कॉलेज का किसी स्कूल का ग्रुप आया है बच्चों का, ये देखो यहाँ पर सब मौज काट रहे हैं। भाई मैं अचानक वीडियो बना रहा था, इधर का वीडियो बना रहा था और तभी अंदर जा रहा था मैं, भाई एकदम से डर गया। मैं सोचा ये कहाँ से आ गया बाहर, इतने सारे सब ऐसे खुले में टहल रहे हैं। इनको ये अच्छा है कि इनको पिंजड़े में नहीं कैद करके रखा। एक बंदर था तो उसको कैद रखा, वो शायद काटता होगा लोगों को इसीलिए। अभी तो मैं सीधा बढ़ता जा रहा हूँ जिधर को लोग जा रहे हैं, क्योंकि मेरे को भी पता नहीं है और साथ में भी कोई नहीं है तो अकेले ही टहल रहा हूँ। बट आप लोग हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, मैं ऐसे ही एडवेंचर वाले वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और ये देखो यहाँ पर बैठे भाई सब ऐसे टहल रहे हैं। आगे और आ चुका हूँ और यहाँ पर फिर दो गली मिल गई हैं तो मैं अब इधर को जाता हूँ। यार बहुत हो गया सीधा, पहले इधर को देखते हैं कि इधर साइड क्या है, इसके बाद बाकी आगे बढ़ते हैं फिर। भाई यहाँ आइसक्रीम देखो कितनी नकली। और भाई मैंने नमकीन का पैकेट एक लिया है जिसकी MRP तो 20 रुपये है, बट यहाँ देते हैं भाई 25 रुपये का। और यहाँ पर ये एडवेंचर भाई, ये कितना औसम, ये देखो इसको क्या कहते हैं मेरे को तो नहीं पता, पंजिंग जंपिंग ऐसे कुछ कहते हैं, बट जो भी कहते हैं भाई मस्त नेक्स्ट लेवल, काफ़ी लोग कर रहे हैं। ये देखो वो देखो कैसे गया ये, अगली बार आएंगे तो भाई करेंगे। अभी इसका टिकट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कितने का है। तो यहाँ पर किसी स्कूल या फिर कॉलेज का नहीं होगा, स्कूल ही का है क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े तो नहीं दिख रहे। तो पिकनिक करने आए हैं तो भाई सब मौज काट रहे हैं। और इसका प्राइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 100 रुपया है पर आदमी, मतलब अगर आप करना चाहते हो, शौक है आपको तो 100 रुपया आप लोगों को पड़ेगा। और मैं यहाँ का बता दूँ पार्क का कितना टिकट पड़ता है मेरे को, गेट में कितने का पड़ा, 70 रुपये पड़ते हैं। तो अभी इधर साइड आए हैं, उधर ये देखो इधर ये था और इधर साइड ये है। इसमें क्या है भाई, बोनेट बंदर रहते हैं इसमें। आपको दिखाता हूँ बोनेट बंदर क्या होते हैं, ये देखो ये बैठे हुए हैं, वो हैं वो उधर बैठे हैं पेड़ में। अभी इधर और है क्या,
तो अभी यहाँ कुछ नहीं है, चलते हैं और आगे। तो ये बोनेट बंदर भाई मैंने पहले नाम सुना है, पहली बार। तो अभी मैं आ चुका हूँ यही मेन रास्ता जो वहाँ से चला आया सीधा, मतलब मेन यही, बाकी वो गलियाँ कटी हैं तो उनमें आप लोग जा सकते हो और देख सकते हो तरह तरह के मतलब जानवर पक्षी। तो अभी ये एक देखो गली छोटी सी गई है, इसमें देखते हैं क्या है। ऐसी छोटी छोटी गलियाँ हैं उनमें अलग अलग जानवर हैं, तो देखते हैं इसमें कौन सा जानवर है। तो यहाँ पर देखो बोर्ड में भी लिखा रहता है, ये अच्छा है, इसमें लिखा है सारस। तो इसमें पूरा डिटेल में लिखा है, मैं पढ़कर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो जब आप लोग आना अच्छे से पढ़ लेना। तो ये सारस है भाई, देखो दो हैं, अभी तो दो ही फिलहाल दिख रही हैं, और ये पूरा ऐसे बंद कर रखा है। देखो ये देखो जूम करके, हे देख नहीं रही है। अभी फिर मैं रास्ते में चढ़ूंगा, फिर से एक मतलब गली आ जाएगी छोटी सी, तो उसमें फिर से घुस जाएंगे और अलग अलग जानवर आप लोगों को मतलब देखने को मिलेंगे। अब ये देखो इसमें क्या क्या है, तार बबूला, और ये गिरे हवासील, और सफ़ेद हवासील, और ये राजहंस। तो अब अंदर लेके चलता हूँ, ये देखो भाई इस गेट, यहाँ पर तो जंजीरें जंजीरें लगी हुई है। इसमें क्या क्या है मतलब वो जो लिखे थे वही हैं शायद, ये देखो, ये देखो सब, ये तो सारस है, वो बतख हैं आप लोग जानते होंगे। बाकी ये देखो मोर, पास से बिल्कुल आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो ये बिल्कुल पास, इतने पास, इतने पास से तो मैंने पहली बार देखा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। ये कौन से बतख हैं भाई, ये देखो ये बतख ही हैं ये वाले, काफ़ी बड़े हैं। मैं पहले सोच रहा था कि पानी में मगरमच्छ होंगे, लेकिन मगरमच्छ नहीं रहते, होंगे अगर आगे कहीं देखेंगे। उधर से हम लोग आए थे उस साइड से, और ये पूरा घूम कर इधर से अब इधर जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, अब फिर से मेन रोड में आ जाएंगे, वही जो रास्ता है, इसके बाद उससे फिर छोटी सी गली कटी होगी, फिर उसमें जाएंगे तो फिर नए पक्षी जानवर देखने को मिलेंगे। ये फिर से एक रास्ता छोटा सा मिल गया है, और ये देखो इधर साइड, यहाँ पर ये तोते ही हैं, ये देखो अब इनके सभी के नाम लिखे हैं, हीरामन तोता, इलेक्ट्री मकाऊ, नीला और पीला मकाऊ, सभी प्रकार के वाइट तोते हैं, सभी के नाम भी लिखे हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता होता, अगर नाम नहीं लिखा होता तो मैं भी नहीं बता पाता। ये देखो भाई ये तोता ही है, अब इसका क्या नाम है, ये तो पता नहीं हुआ, लास्ट में क्या नीला और पीला तोता यही होगा शायद। तो गाइस एक प्रॉब्लम हो गई यार, कि मोबाइल की बैटरी थोड़ा डाउन हो गई है, 27-28% बैटरी रह गई, क्योंकि सुबह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, पहले मैं मोती झील गया था पार्क, और वो काफ़ी बड़ा पार्क था, मेरे पीछे डायनासोर का स्टैचू बना हुआ है और काफ़ी बड़ा है, मतलब देखने में अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर भी आप लोग अपनी फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। और ये देखिए पर्वती काला भालू, यहाँ पर शायद भालू है, दिख तो नहीं रहा भाई, किस्मत अच्छी नहीं है शायद, देखते हैं उधर से थोड़ा और घूम कर है क्या, यार दिख नहीं रहा, वो है ख्वाहिश दिख गया, आपको दिखाता हूँ रुको, ये देखो दिख रहा है, वो बैठा है भाई, ये देखो भाई अंधेरे में बैठा हुआ है, तो इसलिए क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, भाई पूरा जूम कर दिया, इतनी दूर बैठा हुआ है, इसीलिए शाम के वक्त आओ तो सभी जानवर देखने को मिलेंगे। और ये देखो बाल ट्रेन स्टेशन है ये देखो इधर को ये पूरी ट्रेन घुमाएगी, अंदर होगी शायद इधर साइड, अभी उधर भी जाएंगे, ये रास्ता गया कहीं का। और ये इस पार्क का पूरा मैप है, ये देखो पूरा लोकेशन है यहाँ पर, ये देखो लिखा है योर एरिया, मतलब यहाँ पर ये भालू वाला पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ पर हैं अभी, ये देखो इतना बड़ा है घूमने को, पूरा पड़ा हुआ है, तो चलते हैं। शायद ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं कौन से रास्ते से जा रहा हूँ, बट जब आप लोग यहाँ पर आओगे तो सब समझ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा रास्ते बने हुए हैं और लिखा भी है, तो आप लोग पूरा घूमना ज़रूर, काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन भाई पूरा इंजॉय लेना, 70 रुपया वसूल कर लेना। इसमें बाघ है यानी कि टाइगर, देखते हैं वो भी दिखता है कि नहीं, वो भाई है दिखा रहा हूँ अभी, ये देखो ये
थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा होगा साइड है, एक अंदर बंद है एक बाहर लेटा हुआ है। ये देखो, ये देखो, अब फिर से दो रास्ते आ गए, एक इधर है एक इस साइड को गया है। अब देखते हैं इस साइड क्या है, आपको भी दिखाते हैं। तो बैग मैंने यहाँ पर रख दिया है, अब सेल्फी स्टैंड ऐसते हैं और एक फ़ोटो लेते हैं। भाई बैग बहुत भारी है क्योंकि मैंने दो तीन जोड़ी कपड़े लाए था, क्योंकि मेरा थोड़ा अलग प्लान था जाने का कहीं और का, बट वहाँ पर मैं जा नहीं पाया। तो भाई कोई साथ में जब ना हो तो कुछ इस प्रकार के एक ये सेल्फी स्टैंड आता है भाई, ऐसे मोबाइल फिट कर लो, और ये मोबाइल मैं फ़ोटो इसी मोबाइल से ले रहा हूँ, तो देखना अभी। और इसको मैं कम ही यूज करूँगा क्योंकि इसकी बैटरी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, इसमें तो काफ़ी अच्छी है। तो अगर इसकी बैटरी डाउन हो जाती है तो फिर इससे मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा, बट आपको पूरा व्यू दिखाऊँगा। ग्रीन वाला ब्रिज है, इसके साइड से रास्ता गया है, इधर जब आप लोग जाओगे तो दरियाई घोड़ा दिखेगा। तो चलिए देखते हैं ये मिलता है कि नहीं, मतलब दिखे तो सब हैं, भालू भी दिखा है, बाघ भी दिखे, बट पास से नहीं दिखे। जा चुका हूँ और ये देखो दरियाई घोड़ा ये यहाँ लिखा है, और ये सामने यहाँ दरियाई घोड़ा ये देखो गाइस लेटा हुआ है भाई, लेकिन कितना बड़ा है यार देखो भाई, मजाक नहीं, मैं पहली बार देख रहा हूँ लाइफ में, पहली बार देख रहा हूँ इतने पास से। क्या मैं मोबाइल वोबाइल में देखा, मैंने कभी दूर से भी नहीं देखा। मतलब दरियाई घोड़ा तो दिख गया, अब बब्बर शेर और जेब्रा देखना, ये देखो इसमें लिखा भी है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को जगह जगह बोर्ड मिल जाएंगे, तो मतलब ज़्यादा दिक्कत या फिर प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि कहाँ को जाना है, आपको सब समझ में आ जाएगा। जेब्रा को देखना, ये देखो ये भी भाई पास में ही खड़ा, ये देखो भाई कैसे नींद ले भाई, खड़े खड़े सो रहा है क्या, ये देखो भाई ऑसम एक्सपीरियंस भाई, नेक्स्ट लेवल। पहली बार मैंने जेब्रा देखा है, ये देखो लाइफ में पहली बार, ये देखो फिर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ जेब्रा है। यहाँ पर आप लोगों को पूरे डिटेल मिल जाएगी कि मतलब इसका वजन क्या होता है, हाइट क्या होती है, मतलब सब कुछ आप लोगों को डिटेल में मिल जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लेना और आराम से पढ़ लेना, मैं अगर बताने को आऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। और फिर से एक बार देखो यहाँ पर एक कैंटीन है, तो मतलब खाने की पीने की दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली है। और ये देखो यहाँ पर पटरिया बिछी है ना, तो ये वही ट्रेन है जिससे अगर आप घूमते हो तो पूरा मतलब आप लोगों को ये पार्क घूम सकते हो मतलब उसके ज़रिए। और ये देखो बब्बर शेर का मतलब दिया हुआ है कि इधर साइड जाना है। अब गाइस हम देखेंगे बब्बर शेर, फाइनली गाइस हम देखने वाले हैं बब्बर शेर को पहली बार, मतलब यहाँ पर ज़्यादातर जितने भी जानवर मैं पहली बार मतलब ऐसे फेस टू फेस देख रहा हूँ, बाकी फ़ोटो वीडियो में देखा है। तो फाइनली हम देखने वाले हैं बब्बर शेर को, और गाइस हम लोगों को दिखाता हूँ, गाइस ये सब दूर बहुत बैठे हुए हैं, तो जूम करके दिखा यार ब्लर हो जाता है। यहाँ पर जालियाँ लगी हैं ना, तो इस वजह से नहीं दिख रहा, बाकी मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ, और बाहर ये बैठा होता तो शायद दिख जाता, बट फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को जूम करके। ये देखो दिख रहा है गाइस, तो भाई पहली बार मैं भी देख रहा हूँ शेर को ऐसे रियल में, वैसे तो फ़ोटो पे वीडियो में देखा है, बट रियल में मैंने नहीं देखा है क्योंकि मैं पहली बार ही चिड़ियाघर आया हूँ। और गाइस ये थोड़ा पास में होता ना तो और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस रहता, शायद शाम को ये आते होंगे बार, बाकी इधर अभी गेट बंद है, हमें वापस जाना पड़ेगा। और इसमें कछुए हैं बट वो अंदर ही हैं, बाहर नहीं निकले हुए। ये देखो यहाँ पर पोस्टर में भी लिखा है, मैं आपको इसे दिखाता हूँ, ये देखो, और एक भी कछुआ बाहर नहीं निकला हुआ है। तो कछुआ तो सभी लोग देखा होगा आप लोगों ने, भाई जब भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा रिया पक्षी, यहाँ पर देखो लिखा है इसके विशेष गुण, जो भी आप लोगों को पढ़ना है आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हो। और ये देखो कितने बड़े हैं, हमारे गांव में इन्हें को शुतुरमुर्ग कहते हैं, ऐसा एक्चुअली मेरे से मिस्टेक हो गई। ये देखो शुतुरमुर्ग अलग होते हैं और रिया पक्षी अलग होता है, तो शायद ये शुतुरमुर्ग हैं वो जो अंदर सफ़ेद हैं वो रिया पक्षी हैं। और ये देखो हेमू, अब ये हेमू देखो आपको दिखाता हूँ, ये इधर साइड है, ये कुछ इस प्रकार से होते हैं हेमू, कुछ इस प्रकार से आप लोग घूम सकते हो। हाँ इसके पैसे अलग चार्ज होते होंगे, और मेरे को ये नहीं पता कितने पैसे चार्ज होते हैं, बट बढ़िया है अगर आप लोग ज़्यादा नहीं चल फिर पाते तो आप लोग आराम से इसी में घूम सकते हो, और ये सभी जगह आप लोगों को दिखा देंगे जहाँ पर ये सभी मतलब जानवर हैं, पैथन और मतलब जिसको अधिकार कहते हैं सांप वगैरह और ये मगरमच्छ हैं, तो वो वाला एरिया बंद है, शायद वही वाला एरिया है। और इधर साइड ये नील का है, ये देखो वन रोज जिसको भी कहते हैं, तो वो देखो रहे ये अंदर सबको यार अंदर ही बंद करके रखा है, यहाँ बाहर एक भी नहीं ठहर रही,
अब हम लोग आए बाहर टहले। तो यहाँ पर एक काला हिरण, ये देखो का बैनर भी लगा है और पूरी डिटेल में लिखा हुआ है, और वो देखो अंदर रहे। बट यार पूरे काले तो नहीं लग रहे, हल्के हल्के से हैं। देखो ये कुछ इस प्रकार से। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वरना वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी, आपको भी नहीं अच्छा लगे। तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो काला हिरण, और इधर साइड ये पूरे हिरण है। जब आप लोग आएंगे तो अलग ही एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलने वाला है। और अब आप लोगों को दिखाता हूँ बारहसिंगा। ये देखो इसके बारे में पूरा डिटेल में लिखा है, आप लोग वीडियो को रोक कर पूरा पढ़ सकते हैं। अब देखो बारहसिंगा को भाई, बारहसिंग तो इनकी एक भी नहीं दिख रही। देखो सब काट लिया है शायद, सबकी मतलब सींग कटी हुई है बारहसिंगा। तो भाई बारहसिंगा कैसे हो गए भाई, सबकी सींग काट लिया है। वो देखो बैठे हैं। ये देखो भाई टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 12 बजने वाले हैं, और मेरी 2 बजे की ट्रेन है, मतलब कानपुर से वही चौडगरा वाली, जो बिनकी कुछ मतलब बिनकी रोड उसमें लिखा होता है, बट है तो चौडगरा में वो स्टेशन। तो वो 2 बजे की है, और मुझे अभी काफ़ी कवर करना है, देखते हैं कवर हो पाता है अभी नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि बस और गाड़ी बाइक से सब कोई जाता है, मैं ट्रेन से जाऊंगा तो एक वीडियो बना लूंगा। तो अगर बनाऊंगा तो आपको इसी चैनल पर मिलेगा, इसीलिए कह रहा हूं, बार बार कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। बैग वगैरह उतारते हैं भाई, और जो नमकीन लिया था वो खाते हैं, बैग को रखते हैं यहाँ। देखो कितना भाई भारी बैग है, और इधर सरका देते हैं। ये देखो किसमें भरा था यार, क्योंकि ये पैकेट अलाउ नहीं है, मतलब वैसे भी देखो लोग कैसे गंदगी फैला के चले जाते हैं, और ये प्लास्टिक है ना पूरा पन्नी वातावरण को ऐसे नुकसान करती है, इसलिए वो क्या करते हैं पाल ऐसे कागज़ में दे देते हैं, मतलब पैकेट फाड़ के अपने पास रख लेते हैं, और ये फिर कागज़ में पैक कर देते हैं। 13% बैटरी बची है मोबाइल की, और अभी मैं केवल लगता है आधे से ज़्यादा तो कवर हो गया है, बट थोड़ा ही बचा है, तो ये कागज़ अभी रख लेता हूँ, अभी डस्टबिन में डाल देंगे। और ये रही भाई नमकीन, ये नमकीन वही है खट्टा मीठा, ये देखो। तो भाई अभी मैं इधर से आ रहा था, और ये देखो कुछ बना हुआ है, अब इसका देखते हैं अलग से प्राइस, मतलब टिकट लगेगा या फिर उसी में है। तो चलिए चलते हैं। तो एक्चुअली मैं मछली घर है, देखते हैं इसका टिकट तो नहीं है अलग से भाई। तो बैटरी कम हो गई है, इसलिए इसकी फ्लैश लाइट भी नहीं जल रही है, तो देखो कुछ उस प्रकार से है, और बहुत ही अंधेला है। तो बस ये मैंने दूसरे मोबाइल से उसकी लाइट जलाई है, फ्लैश लाइट। ये देखो यहाँ पर ये मछली, तो इसी प्रकार से मतलब ऐसे पूरे इनके नाम भी लिखे हैं। तो अभी हम नीचे आए, और यहाँ पर ये रस्सी बंधी हुई है, देखो यार इसके अंदर नहीं जा सकते, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाले ग्लास थोड़े बड़े हैं, मछलियाँ भी बड़ी हैं, देखो इतनी बहुत कम है, तो शायद आप लोगों को दिख नहीं रही होंगे, बट ये देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, लाइट वाइट लगा देते तो और अच्छा लगता। ये देखो ये वाली मछलियाँ, देखो थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो काफ़ी बड़ी भारी मछलियाँ हैं। पार्क पूरा अभी ख़त्म हो चुका है, मतलब अब कुछ रह नहीं गया देखने के लिए, और कुछ बहुत बच्चा होगा तो होगा, जब आप लोग आएंगे तो घूम लेना। अगर सब कुछ मैं ही दिखा दूंगा तो आपका आने का यहाँ क्या फ़ायदा रहेगा। बाकी अभी मैं बाहर का रास्ता खोज रहा हूँ गाइस, मेरे को निकलना पड़ेगा यार। बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब 70 रुपये का टिकट है तो आपके वेस्ट नहीं जाएंगे, घूमने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों जहाँ से शुरू किया था वहीं पर आ चुका हूँ, मेरे पीछे टिकट काउंटर है, और गाइस अभी मैं जा रहा हूँ बाहर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, बहुत जल्द हमारे 3000 सब्सक्राइबर भी कम्प्लीट होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।